इंदौर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मीडिया उन्मुखीकरण कार्यक्रम बुधवार को एक निजी होटल में आयोजित हुआ, जहां बच्चों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और अन्य विषयों पर जानकारी दी गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग जिला इंदौर द्वारा आरएनटी मार्ग स्थित मीडिया उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जनसंपर्क अधिकारी आरआर पटेल, अनुपमा मैडम, सीएल पासी, डॉक्टर वंदना सिंह परिहार सहित महिला एवं बाल विकास विभाग एवं मीडिया के कई लोग मौजूद रहे। आयोजन में जहां अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो वहीं मीडिया के इस वर्कशॉप में महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों द्वारा कई तरह की रोचक जानकारियां दी गई, जहां बताया गया कि देश में बढ़ रहे लैंगिक शोषण के कारण लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम हो रही है। वहीं अधिकारियों ने इस दौरान पास्को एक्ट का जिक्र करते हुए मीडिया कर्मियों को किस तरह की सावधानियां रखना है इस बारे में भी जानकारी दी। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। महिला बाल विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना जो भारत सरकार के द्वारा संचालित हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके अंतर्गत एक प्रोग्राम था मीडिया एडवोकेसी का। जो भी कार्यक्रम हम करते हैं उसका आम जनता तक पहुंच बने, मीडिया एडवोकेसी करें, लोगों तक अपनी बातें योजना के बारे में पहुंचाएं। इसी संबंध में मीडिया के साथियों को साथ में चर्चा करना है और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जो कठिनाइयां आ सकती हैं उनके संबंध में विचार विमर्श करना। इस तरह से सर आयोजन को आगे बढ़ाया जा रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए किस तरह से अभियान आगे चलाया जा रहा है कोरोना में? हम लोगों ने जो गाइडलाइन है भारत सरकार के, उसके अनुसार हमने जो यहाँ इंदौर ज़िले में जितने भी हॉस्टल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, मतलब जो टीनेजर जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनका भविष्य बहुत बढ़िया रहे, और चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे सुरक्षा के मामले में हो, चाहे उनके जो है उनके जॉब ओरिएंटेड कोई वर्क हो, इस संबंध में हम लोग उनको ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है सर, क्या क्या बताया जाता है? सेल्फ डिफेंस के रूप में अगर हम बात करें तो जूडो कराटे का भी ट्रेनिंग अभी हम लोगों ने पूरे एक महीने भर हम लोगों ने कार्यक्रम किया है विभिन्न जगहों पर। उसके लिए हमारी टीम है और वो अलग अलग जगहों पर जाके उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आदिम जात कल्याण विभाग, इन लोगों की टीम के द्वारा भी फील्ड लेवल के फंक्शनरीज के द्वारा हम लोगों ने सहयोग लिया। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सीएल पासी है, मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।